खबर जौनपुर से है, जहां निषाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। आपको बता दें, साजगंज के डेहरी में स्थित कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निषाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सूर्यभान यादव ने अपने पद से इस्तीफा दिया। टीवन इंडिया न्यूज से बात करने पर डॉक्टर सूर्यभान यादव ने कहा कि जिन मूलभूत अवधारणा को लेकर संजय निषाद ने निषाद पार्टी बनाई थी, निषाद समाज के लोगों का उसमें शोषण हो रहा है और यह अपना अधिकार नहीं पा रहे हैं, तो इनकी लड़ाई में हमने कंधे से कंधा मिलाकर साहस दिया, लेकिन जब यह पार्टी चल गई तो लगा कि यह निषाद के मेहनत पर, उनके निष्ठा ईमानदारी पर मोल लगा दिया। सूर्यभान यादव ने कहा कि विधानसभा टिकट करोड़ों रुपए में बेचा। पूरी रिपोर्ट देखिए हमारे संवाददाता ऋषभ तिवारी के साथ, उन्होंने क्या कुछ बात की है। आज हमारे साथ निषाद पार्टी के महासचिव डॉक्टर सूर्यभान यादव जी मौजूद हैं, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पद से निषाद पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तो आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस लिए अपने पद से इस्तीफा दिए। सबसे पहले तो सूर्यभान यादव जी, आपका टीवी इंडियन की बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पद से इस्तीफा दिया, क्या कुछ कारण रहा? इसके पीछे कारण जो था, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी थे, जिस मूलभूत अवधारणा को लेकर इन्होंने पार्टी का संगठन किया था, पार्टी बनाई थी कि इनका इनके समाज के लोगों का शोषण हो रहा है और ये अपना अधिकार नहीं पा रहे हैं, इनकी लड़ाई में हमने कंधे से कंधा मिला के साथ दिया, लेकिन जब ये पार्टी जग गई तो मुझे ये लगा कि ये इन निषाद की मेहनत पे, उनकी निष्ठा, उनकी ईमानदारी का मोल लगा लिया इन्होंने और विधानसभा का टिकट करोड़ों रुपए में बेचा। इन भावनाओं से आहत होकर मैं निषाद पार्टी से इस्तीफा दे दिया। भैया, आप निषाद पार्टी से इस्तीफा दिए हैं, क्या आप दूसरे राजनीतिक दलों में जाना चाहेंगे अब? हाँ, अब मैं क्षेत्रीय जनता के बीच में जाऊंगा और अब तक मैं उन्हीं जनता के स्नेह से ही चल रहा हूँ, उनका अपार स्नेह जो मुझे मिलता रहा है। अब मैं उनके बीच में जाऊंगा, उनसे आदेश लूंगा, निर्णय लूंगा, उनसे उनके राय मशवरा करूंगा कि कौन सी पार्टी में मैं जाऊं जिसमें हमारा भी भला हो और आप लोगों का भी भला हो और मैं आप लोगों का विकास कर सकूं, जिससे मेरे साथ कोई इस तरह से छल ना कर सके। जब मैं 5 साल मेहनत किया और आज मुझे कहीं का नहीं छोड़ा उन्होंने, तो इस तरह की पार्टी से भी दूर रहना है।